टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का उन्वान है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, चैप्टर नंबर 15। और अगर मैं कहूं कि जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये आपके सिलेबस का सबसे मुश्किल चैप्टर है, तो फिर बच्चों बेलमेंट एंड प्लेज का जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है। इसमें जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो आपकी अपनी रोजमर्रा के एतबार से हैं और इसकी कहानियां या इससे मुतलिक जो चीजें या एक्सप्लेनेशन, ये बच्चों कोई इसमें आपको ऐसी चीज नजर नहीं आने वाली जो कि आपने अपने इर्द गिर्द में उसको पहले से ऑब्जर्व ना किया हो। अच्छा जनाब, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट बच्चों ये कोई चीजें अपनी किसी दूसरे को उधार इस्तेमाल के लिए देने को बोलते हैं। कोई शख्स, कोई खातून, कोई भी शख्स, नहीं नहीं अब्दुर्रहमान नहीं सोने, जमानत एजेंसी होती है ना बेटा, उसको अंग्रेजी में या टेक्निकली हम गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है जी। और बेल भी एजेंसी होती है, उसको भी आप गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देख सकते हो, लेकिन ये है जी बेलमेंट है। अब्दुर्रहमान आपने बेलमेंट और बेल में बेटा फर्क समझ करना है। बेल बोलते हैं जमानत को, जिसे के हम गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन बेलमेंट क्या है कि अपनी चीजें किसी को इस्तेमाल के लिए देना कि वो इस्तेमाल के बाद इन चीजों को वापस कर देगा या कर देंगी, ये है जी बेलमेंट का मतलब। जैसा कि तस्वीर में ये खातून जुनसी है दूसरे को ये अपना ड्रेस जो है वो पहनने के लिए दे रही है, ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट है कि कोई एक खातून किसी दूसरे खातून का ड्रेस पहन ले, वरना आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। क्यों बच्चों, क्यों मेरी बेटियों, मैं सही कह रहा हूं ना? हां जी, कोई खातून किसी दूसरे खातून का ड्रेस पहन ले ऐसा मुमकिन होता नहीं है। कोई नया ड्रेस जिनसे ना वो लेना पड़ता है जी, चाहे बिल्कुल वैसा ही क्यों ना हो जैसा कि जनाब एक दोस्त ने पहले से पहना हुआ था, है जी, लेकिन हो नहीं सकता कि इस तरह का सीन हो। चले बहरहाल जी, यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाता है कि चीजें जो इस्तेमाल के लिए दी हैं इस्तेमाल के बाद वापस कर दी जाएंगी। सच ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है। देखा ना, तमाम बेटियों ने जरा इस बात की तस्दीक कर दी जो अभी मैंने आपको बताई, है ना अब्दुल रहमान, समझ आ गई ना तुमको भी, ठीक है। ये चैप्टर ही वैलिड नहीं फिर? नहीं नहीं, ये तस्वीर बेटा इस तरह की अनयूजुअल है, चैप्टर ही वैलिड नहीं। लो दसो ये क्या बात है अब्दुल रहमान, एनी खाम खा की तुमने जिनसे ना वो अंग्रेजी अपनी जाया की है। अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी रस्मुल खत में उर्दू जाया की है तुमने, है जी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होते हैं जनाब? कोई चीजें आपने इस तरह से जनाब, जैसे कोई गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं कहीं जनाब, इस तरह से उसको हिफाजत से खड़ी करने के लिए, कोई जनाब घड़ी साथ से घड़ी ठीक करवाने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो घड़ी ठीक करके वापस कर देगा, या कोई मैकेनिकल इस तरह की कोई चीज है उसको ठीक करके वापस कर देगा, या जी कोई क्लॉक रूम होता है जनाब जहां पर आप जनसन अपनी कीमती अशिया जो है वो एक लॉकर में रखकर जो है हिफाजत से वहां पर जनसन ये छोड़कर जा सकते हैं, या जनाब कोई ये एक क्लॉक रूम होता है जनाब जहां पर आप कोई कपड़े शपड़े अपने जनसन लटका कर गर्मी सर्दी वाले बाहर से जो बर्फ में से गुजर कर आए हैं तो आप कपड़े लटका देते हैं कि वापसी पर जाते हुए ले जाएंगे आप, या जनाब कोई ड्राई क्लीनर से सूट आपने ड्राई क्लीन करवाना है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है,
या कोई रेंट ए कार से आपने गाड़ी लेनी है, तो ये भी बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। और फिर कोई कह ले आपने अपना पेट है जो कहीं पर जनाब छोड़ दिया है कि भाई आप जा रहे हो शहर से बाहर और इस पेट का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और इसके लिए आप जो है वो किसी एक पेट केयर सेंटर में छोड़ देते हो कि जी ये आप एक दिन के लिए ख्याल रखें, मैं वापसी पर आकर आपसे ले जाऊंगा। तो हो सकता है किसी के पास कोई कैट है, डॉग है, घर में रख नहीं सकता, रखा तो जनाब घर वाले जनसना मौके की तलाश में है कि जी ये कैट का ओनर जनसना इधर उधर हो तो जनाब इस कैट को ठिकाने लगाया जाए। तो जी ये जनाब फिर इसको पेट केयर सेंटर में छोड़कर चला जाता है। तो जी ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। या फिर वही कोई जनाब एंटीक वॉच ठीक करने के लिए दी है। तो बच्चों बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट की डेफिनेशन यहाँ बताई गई है। बेलमेंट इंप्लाइज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इन विच द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन टेम्परली गोज इन टू द पोजेशन ऑफ अनदर, द ओनरशिप ऑफ आर्टिकल्स और गुड्स इज इन वन पर्सन एंड द पोजेशन इन अनदर। चीजें हैं किसी और की, वर्तता कोई और है, वर्तना इस्तेमाल करना। तो जी ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। चीजें इस्तेमाल के लिए दी गई हैं, चीजें किसी एक खास मकसद के लिए दी गई हैं, चीजें ठीक करने के लिए दी गई हैं, कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए दिए गए हैं। ये बच्चों एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। और याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो होता है ये हमेशा 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 चीजों से मुतालिक होता है, गुड्स से मुतालिक होता है, मूवेबल थिंग्स से मुतालिक होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जमीन जायदाद मकान दुकान के लिए नहीं होता। दुकान किराए पर दी है और फिर जनाब ये दुकान जो है ये 2 महीने साल बाद वापस कर दी जाएगी, ये बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट सिर्फ चीजों से मुतल्लिक होता है। मोटरसाइकिल यार नहीं, जरा यार मैं जाना ये ना हो छोड़ने किसी को, बस मैं छोड़कर तो आया। तो जी ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर एंड द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। बेलर वो जो चीजें जो हैं वो इस्तेमाल के लिए दे रहा है और बेली वो जिसे चीजें इस्तेमाल के लिए दी जा रही है। बेलर बेली इमोबल के लिए क्यों नहीं? अब्दुल रहमान इमोबल के लिए इसलिए नहीं क्योंकि ये इमोबल का अलहदा से जनसना कानून बना हुआ है। अगर कोई आपने प्रॉपर्टी जिनसी किसी को रेंट पर देनी है तो वो पंजाब में रेंट रिस्ट्रिक्शन सॉरी पंजाब में रेंटेड प्रमिसेस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टीज एक्ट जिनसना ये बना हुआ है, ये कोई और अलहदा से कानून है बेटा जो इस चीज को इमोबल प्रॉपर्टीज को डील करता है। लेकिन बेलमेंट जो है ये सिर्फ चीजों के लिए होती है और इसमें चीजें ही शामिल हैं। इसमें मूवेबल में कोई कह लो करेंसी पैसे वगैरह शामिल नहीं है, ये भी बेटा ध्यान में रखिएगा कि अगर अब्दुलरहमान आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपया दिए हैं जो उसने उधार लिए हैं कि यार मैं तुम्हें अगले हफ्ते वापस कर दूंगा, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में पैसे भी शामिल नहीं है। कि बेलमेंट में खास बात याद रखिएगा बेटा, जो चीजें दी गई हैं उन्हीं चीजों ने वापस आना है, जो चीजें दी गई हैं उन्हीं चीजों की वापसी होनी है। और आपने दोस्त को 5,000 रुपये दिए थे तो वो एक नोट था 5,000 का, उसने आपको अगले हफ्ते पैसे वापस किए हैं तो उसने 1,000 के 5 जो से नोट आपको वापस किए हैं। तो ऐसे में जो चीजें दी नहीं वही तो वापस नहीं मिली ना, जैसे आपने कभी नोट दिया था वही तो नहीं वापस मिला। तो लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है अगर किसी को उधार पैसे भी दिए गए हैं। हाँ आपने कोई कह लें कि एंटीक कॉइन जो किसी को दिए हैं
کوئی پرانے وقتوں کے کوائنز کسی کو دیے ہیں کہ یار یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھی. یا دوست نے کہا کہ یار یہ ذرا اپنے کوائنز جن سے آپ کی کلیکشن جن سی ہے وہ ذرا دکھانا, میں جناب اس کو جن سے میں اپنے پاپا جی کو دکھا کر آتا ہوں تو پاپا جی کو بھی ان چیزوں کا بڑا شوق ہے. تو جی یہ ایک کانٹریکٹ اور بیلمنٹ ہے. آج میں جناب وہ چیزیں وہ اس کو دیے ہیں جو کہ وہ جناب اس کو ایک مقصد پورا ہو جانے کے بعد واپس کر دے گا. پلے اسٹیشن دوست سے مانگ کر لے کر آئے آپ کھیلنے کے لیے, موبائل مانگا آپ نے اور نہیں ذرا یار یہ میں نے ایک بڑی ضروری کال کرنی ہے میرا بیلنس ختم ہو گیا. تو جی آپ نے موبائل جن سے دوست کو دیا ہے اس نے کال کر دی ہے. تو یہ بچوں کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کی ایگزامپلس ہیں. کانٹریکٹ آف بیلمنٹ ہمیشہ چیزوں کے اعتبار سے ہوتی ہے اور چیزوں نے واپس آنا ہوتا ہے. چیزیں اگلے کو دے دیں, اگلے نے استعمال کری, کھا لیں, پی لیں اور واپس نہیں کرے گا اور وہ اپنے پاس ہی رکھے گا, تو یہ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ نہیں. بیلر وہ شخص جو چیزیں دے رہا ہے, بیلی وہ جسے چیزیں دی جا رہی ہیں اور بیلی نے بیلر کو چیزیں واپس کرنی ہے. یہ ہے جی کانٹریکٹ آف بیلمنٹ.